का इनकार किया जाता है डेली बेसिस पे। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डेली बेसिस पे लंगर का इंतजाम है, जहाँ पर गरीब और गुरबा आवाम के लिए और जहाँ पर मुसाफिरों के लिए जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खिलाया जाता है। मैं हमारे आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर माशाल्लाह अक्सर दराज से ये काम स्टार्ट है और ये हर आवाम के लिए है, किसी को स्पेशली तौर पे नहीं बुलाया जाता। जहाँ पर जितने भी है, मैं मेरा कैमरा मैन दिखाएगा अब चौक कमर वाले का नज़ारा, जहाँ पर पहले हमाम बारगाह थी, इस वक्त इस टाइम अवामी दस्तर खां है जहाँ पर मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त रिजवान कलंदरी, जो इस ट्रस्ट कलंदरी ट्रस्ट को और पंचतन अवामी दस्तर खां को जो चला रहे हैं। इनसे मैं पूछता हूँ कि जी आपने कितने अर्से से आप काम स्टार्ट किया हुआ है और ये कैसे आप कर रहे हैं और आपके साथ कौन कौन आपके साथ है इस काम में शरीक है, प्लीज़ आप मेरे नाज़रीन को बताएंगे। सबसे पहले तो मैं अपना अखबार और अपना अखबार की पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मैंने इस मिशन को इस काबिल समझा और यहाँ पर आए तशरीफ लाए जनाब। और जैसा कि मुश्ताक भाई अभी मुझसे पूछ रहे थे कि इस मिशन में कौन कौन है, इस मिशन में सबसे पहले तो अल्लाह और अल्लाह का प्यारा नबी मेरे साथ है और बाकी दोस्तों ये जो मिशन है ये मेरी औकात नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक 2-4-5 सौ रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा हूँ, ठीक है, 2-4-5 सौ रुपये दिहाड़ी कमाने वाला बंदा हूँ। और मेरी एक काविश है, मेरी एक कोशिश है कि इस बेरोज़गारी के दौर में गरीब आवाम को खाना खिलाया जाए, क्योंकि आपको पता है कि मजदूर सुबह से निकलता है और सारा दिन बेरोज़गारी का दौर है, सारा दिन बैठ बैठ के थक जाता है, सारा दिन बैठ बैठ के थक जाता है और उसको रिस्क नहीं मिलता। तो मेरी ये कोशिश थी, मेरी ये काविश थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ। अच्छा, ये आपने ये कलंदरी अवामी पंचतंत्र के हवाले से मैं आपसे मुखातिब था रिजवान कलंदरी साहब को, ये आपको मैं बैनर से दिखाना चाहता हूँ, हमारा कैमरा मैन दिखाएगा, ये उन्होंने अपना रबता नंबर भी दिया हुआ है, आप इनसे रबता भी कर सकते हैं और आप जहाँ पर खुद आकर विज़िट भी कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको अवामी दस्तरखान किस तरीके से चला रहे हैं, कैसे आवाम को दिखाना चाहिए कि मैं अपना कैमरा मैन को दिखाऊँगा कि आवाम को दिखाएँ कि आवाम किस तरीके से जो है आप ये खाना खा रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी मेरे इस वक्त कैमरा मैन देख रहे हैं, जो कैमरा हमारा वीडियो देख रहे हैं, उनसे मैं मखीर ज़रा से अपील करूँगा कि आप प्लीज़ इस दस्तरखान में ज़रूर शिरकत फरमाएँ और आने वाले जितने भी दोस्त हैं उनसे मैं वेलकम करूँगा, मोस्ट वेलकम करूँगा स्पेशली तौर पर। और कलंदरी ट्रस्ट की जानिब से ये पंचतन अवामी दस्तरखान मैं चाहता हूँ कि हमेशा के लिए चलता रहे, मेरी दुआएँ हैं उनके साथ हैं। और यहाँ पर मैं आपसे ये भी बताना चाहता हूँ कि राणा फराज नून इनके साथ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के जो चेयरमैन हैं उनको भी इनका बहुत साथ देते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कलंदरी साहब ये बताएं प्लीज़ कि अगर आपसे मुलाकात करना चाहें, आप मुखीर हज़रात आपसे तावन करना चाहें, तो आप किस तरीके से आप उनका को कैसे आपसे मुलाकात हो सकती है, प्लीज़ हमारे नाज़रीन को बताएं। साहब भाई मेरा मोबाइल नंबर है 03012579261 और मुखीर हज़रात से मेरी ये गुजारिश है कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, अगर आप दे सकते हैं तो इस मिशन के लिए आप मुझे खाना प्रोवाइड करें और दस्तरखान का सामान प्रोवाइड करें, तो इंशाल्लाह ताला मैं आपकी कॉल का मंतज़र रहूँगा। बाकी ये पैनोफ्लेक्स लगा हुआ है, इसके ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, आपको ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कलंदरी भाई, ये आप बता सकते हैं कि आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या क्या आपके पास बड़ी ज़रूरी है, ये आपने जो दरियाँ हैं आपके दस्तरखान हैं, क्या आपने ये अपना दादी है या ये रेंट पे लेते हैं आप? मुश्ताक भाई ये टोटली सामान जितना भी इस वक्त आ रहा है ये तमाम का तमाम रेंट पे आता है, ठीक है, और अगर कोई दोस्त मुझे मतलब पार्टिसिपेट कर सकता है तो खैर हज़रात तमाम मेरी वॉइस को, मेरी आवाज़ को, मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, तो मेरी ये तमाम दोस्तों से जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि ये दस्तरखान हमेशा कायम और दायम रहे, यहाँ पर जो मज़दूर आवाम और गरीब लोग खाना खा रहे हैं हमेशा खाते रहें और मुझे यहाँ पर खाने की भी ज़रूरत है और दस्तरखान के सामान की भी ज़रूरत है। नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी आपने रिजवान कलंदरी की जो एड्रेस है कलंदरी ट्रस्ट की जानिब से पंचतन अवामी दस्तरखान का जो चेयरमैन है जहाँ पर जो उन्होंने इनकार किया है सरकार से, माशाल्लाह डेली बेसिस पर वो काम कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ उनके साथ हमारे जो दाल वगैरह जो कार्रवाई करते हैं उनसे भी पूछते हैं कि आपने आप इनके साथ हैं और कितने अर्से के आप इनके साथ हैं। तकरीबन के साथ एक माह हो गए हम इनके साथ हैं और बगैर किसी लालच के हम इनकी खिदमत कर रहे हैं, वहाँ अल्लाह ताला इनको अजर दे और ता हयात तक चलता रहे। जी भाई।